हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल इन टू डिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ए के टी यूनिवर्सिटी ऑफ फर्स्ट ईयर एंड बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट कोड रहता है बी ई सी वन जीरो वन और सेकेंड सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट कोड रहता है बी ई सी टू जीरो वन तो यूनिट नंबर वन में से सेमी कंडक्टर डायोट और डायोड एप्लीकेशन के मैंने सारे टॉपिक ले रखे हैं और टू टर्मिनल डिवाइसेस के एलईडी वगैरह के क्वेश्चंस ले रखे हैं तो यूनिट वन में से आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड ये देख लेना एक बार uh, उसके बाद रेक्टिफायर जो होते हैं उनके हाफ वेव फुल वेव की वर्किंग देख लेनी है आपको यूनिट नंबर वन में से uh, उसके बाद ये फॉलोइंग टर्म्स होते हैं डी वोल्टेज और डी करंट आर वैल्यू ऑफ करंट हाफ वेव रेक्टिफायर की और वेव रेक्टिफायर की ये टर्म्स देख लेना उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना आप एक बार वीडियो को पॉज करके आ, उसके बाद वोल्टेज ट्रिपलर की वर्किंग देखना सर्किट डायग्राम के साथ एलईडी ये ये सेवन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एलईडी का का लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर ये टेन मार्क्स में आया था क्वेश्चन एलईडी का इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन ये सब देख लेना डायोड की देखनी है आपको इनपुट आउटपुट टनल डायोड का डायग्राम बनाना है आपको फोटो uh, डायोड क्या होता है ये देख लेना और बेसिकली थ्योरी टॉपिक्स हैं ये सारे और फुल वेव वोल्टेज डबलर इनके डायग्राम सारे अच्छे से आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाने और रिपल फैक्टर एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेना एक बार बाकी मूव टू द यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर टू आपकी बीजेटी पर डिपेंड है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉस पे है यानी कि सारे इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दे रखे हैं तो बेसिक पहला क्वेश्चन बीजेटी देख लेना उसके बाद ऑपरेशन देखना पी एन पी ट्रांजिस्टर के इनपुट आउट आउटपुट कॉमन इमिटर बीटा गामा का रिलेशन आता है इसमें वो देख लेना है, एक फिफ्थ नंबर पे एक है, ये देखना सिक्स पर मोस्फेट के ऑपरेशन एंड डिप्लेशन और क्वेश्चन नंबर सेवन ऑपरेशन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर ये देखना एक बार बीजेटी और जेफेट का डिफरेंस देख लेना एक बार और क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनको पॉज करके देख लेना यूनिट नंबर टू में सिर्फ इतना ही एंड ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आ, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम कर लेना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विलेंट सर्किट बना लेना ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है इसको अच्छे से करना है वो कर लेना बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की और समिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्पलीफायर ये देख लेना फोर्थ नंबर पर ये नोमेरिकल है और इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर फिफ्थ नंबर पर ये नोमेरिकल है ये देख लेना सिक्स नंबर पर एंड सेवेंथ पर नोमेरिकल है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक पैरामीटर्स और सर्किट यूजिंग डिंटर ये देख लेना क्वेश्चन नंबर पे एक है बाकी ये वाली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यूनिट नंबर फोर जो अभी आपकी नई ऐड हुई है नई सिलेबस की उस पर ये आपकी पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड है तो सारे बेस कन्वर्सन के क्वेश्चन देख लेना अगर सारे ना भी कर पाओ तो ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें तो टेन क्वेश्चन है इन्हें अच्छे से कर लेना बाकी आपका काम हो जाएगा बाइनरी वाला अ ये सारे बेस कन्वर्सन क्वेश्चन करना बाइंड्री एक्सा ऑक्टल बहुत ईजी है डीई की पूरी यूनिट है आपकी और क्वेश्चन नंबर टू यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं उनको उनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं ये क्वेश्चन और ये आपका एक बुलियन एक्सप्रेशन है इसको कर लेना ये आपकी बार वाली है ये देख लेना बाकी आपका के मैप्स है इनको मिनिमाइज करना है गेट्स का यूज करके इन्हें अच्छे से देख लेना इसका आंसर भी दे रखा है इसमें बाकी ये टेंस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन कर लेना और इनका डिटरमेंट बेस ऑफ द फॉलोइंग इनके बेस डिटरमाइन करना है और सिर्फ ये क्वेश्चन करोगे सीट को तो भी आपका काम हो जाएगा बहुत मैंने इसमें सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं इन सब के बीच डिटरमाइन करना बाकी त्रुटे टेबल आपको बनानी है ये देख लेना और इसमें आपको के मैप्स बनाना है इसको इम्प्लीमेंट करना है खाली गेट्स बनाकर तो ये देख लेना बहुत इजी है और नंबर सिस्टम क्या होता है ये देख लेना एक बार और टूस कॉम्प्लीमेंट और डी मॉर्गन लॉ ये अच्छे से करने हैं अब मूव करते हैं यूनिट नंबर फाइव की तरफ तो यूनिट नंबर फाइव भी न्यूली एडेड है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इसमें इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन का पार्ट दे रखा है तो ये भी बहुत इजी थ्योरी बेस्ड है और आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अच्छे से बना के आने हैं डायग्राम डायग्राम बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बाकी आपको इस वाली शीट मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बाकी इसमें ये देख लेना सिग्नल क्या होता है सिग्नल्स के टाइप ब्लॉक डायग्राम देख लेना एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का आ, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होती है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और मॉड्यूलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं एक टेलीविजन में और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है एम्पलि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, एक, आ, वेव की एक को कर, कर सकते हैं सेम और इसका डेरिवेशन सकता है टोटल पावर एडिट बाय द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड आपको मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी क्या होती है वो भी कैलकुलेट करनी होगी बाकी सिक्स नंबर पर ही न्यूमेरिकल है सेवन पर देख लेना और बाकी लास्ट क्वेश्चन आपको सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पे करना है वायरलेसन वायरलेस uh, कम्युनिकेशन में से बाकी इतना ही क्वेश्चन uh, नंबर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एप्लीकेशन और टेंथ uh, ये आपका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालने के लिए बस यूनिट नंबर फाइव में सिर्फ इतना ही आप दोबारा से देख सकते हैं अच्छे से अगर आपको ये पी डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब